नमस्कार, मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट संख्या सेकंड में कोष प्रवाह की पहचान और कोष प्रवाह में कौन कौन से स्रोत उपयोग काम में आते हैं उनका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिससे कोष प्रवाह विवरण आसानी से तैयार कर सकें। कोष प्रवाह विवरण या कोष प्रवाह की पहचान फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत, जिसमें कोष प्रवाह की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार यूनिट संख्या सेकंड में फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, जिसके आधार पर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब हम बात करें कोष प्रवाह के की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंड फ्लोज। किस प्रकार से हम कोष प्रवाह की पहचान कर सकेंगे? जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि कोष प्रवाह विवरण क्या है, तो कोष प्रवाह विवरण से आसे कोष में वृद्धि या कमी से हैं, क्योंकि कोष शब्द का अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी से लगाया गया है। अतः कोष प्रवाह से आसे शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी व वृद्धि से है। शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि किसी लेन देन में प्रभावित होने वाले दो खातों की प्रकृति, जैसे चालू खाता, गैर चालू खाता पर निर्भर करती है। कोष प्रवाह विवरण तभी होगा जब किसी लेन देन में प्रभावित होने वाले दो खातों में से एक चालू, जिससे कोष प्रवाह शुद्ध कार्यशील पूंजी और कमी या वृद्धि होने से है। शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि किसी लेन देन को प्रभावित होने वाले दो खातों की प्रकृति, चालू खाता और गैर चालू खाता पर निर्भर करती है। इस प्रकार कोष प्रवाह तभी होगा जब किसी लेन देन ने प्रभावित होने वाले दो खातों में से एक चालू खाता और दूसरा गैर चालू खाता होगा। जब एक गैर चालू खाते के साथ दूसरे गैर चालू खाते में परिवर्तन होता है, या जब एक चालू खाते के साथ दूसरे चालू खाते में परिवर्तन होता है, तो इससे शुद्ध कार्यशील पूंजी में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी, अर्थात कोष प्रवाह नहीं होगा। इस प्रकार कोष प्रवाह की पहचान हेतु स्थिति विवरण की मदों को चालू या गैर चालू श्रेणी में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आपको यह बैलेंस शीट दर्शाई गई है, जिसमें लायबिलिटीज़ और एसेट साइड्स का क्रियान्वयन किया गया है। दायित्व और संपत्तियां, जिसमें प्रथम है गैर चालू दायित्व लायबिलिटीज साइड, जिसमें नॉन करंट एसेट लायबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस, पूंजीगत संचय, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन्स शामिल हैं। इसी प्रकार संपत्तियों में नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, मोटर व्हीकल गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन शामिल हैं। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करें चालू दायित्व है करंट लायबिलिटीज़ में, जिसमें प्रथम है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउट बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स हैं। इसी प्रकार चालू संपत्ति खातों में करंट एसेट्स में स्टॉक, शॉर्ट टर्म या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस और लोन्स, BR, डेटर्स, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड शामिल है।
इस प्रकार से हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोश प्रवाह से संबंधित नियम को निम्नलिखित चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसा कि गैर चालू दायित्व, गैर चालू संपत्तियां, चालू दायित्व और गैर चालू संपत्तियों में कोश प्रवाह विवरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से कोश प्रवाह विवरण नहीं होता है और कोश प्रवाह विवरण होता है। जब किसी लेन देन में कब कोश प्रवाह होता है? जब कोश प्रवाह नहीं होता है तो निम्न प्रकार से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कौन कौन से ऐसे लेन देन हैं जिसमें कोश प्रवाह कब होता है। When there is flow of funds, जिन लेन देनों के फलस्वरूप विद्यमान कार्यशील पूंजी या कमी या वृद्धि होती है उसके कारण कोश प्रवाह होता है। ऐसे लेन देनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जिसमें प्रथम है यदि लेन देन का प्रभाव एक चालू संपत्ति खाते या एक गैर चालू संपत्ति खाते पर पड़ता हो, जैसे नगद भुगतान करके फर्नीचर क्रय करने पर फर्नीचर खाता, और जैसे किसी नगद भुगतान करके फर्नीचर क्रय करने पर फर्नीचर खाता गैर चालू संपत्ति डेबिट होगा और रोकड़ खाता चालू संपत्ति क्रेडिट होगा। इससे कोष का बहिर्गमन या उपयोग होगा, क्योंकि इस लेन देन के फलस्वरूप नगद में कमी होगी तो इसके फलस्वरूप कार्यशील पूंजी में भी कमी होगी। दूसरा है, यदि लेन देन का प्रभाव एक चालू संपत्ति खाते तथा एक गैर चालू दायित्व खाते पर क्या प्रभाव पड़े, जैसे कंपनी द्वारा रोकड़ के बदले ऋण पत्र जारी करने पर रोकड़ खाता डेबिट और ऋण खाता क्रेडिट होगा। परिणाम स्वरूप कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी, अतः यह लेन देन कोषों के या कोषों का स्रोत होगा। इसी प्रकार नकद के बदले अंश पूंजी जारी करने या ऋण लेने पर कोषों का प्रवाह होगा। इसके विपरीत अधिमान अंशों के शोधन पर भी पुनः भुगतान से कोषों का बहिर्गमन भी होगा। इसी प्रकार तीसरा एडजस्टमेंट है, यदि लेन देन का प्रभाव एक चालू दायित्व वाले खाते या दूसरे गैर चालू दायित्व खाते पर पड़ता हो, उसमें भी हम इस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे। किसी लेनदारों का भुगतान अंश पूंजी या ऋण पत्र जारी करके लेनदार खाता चालू दायित्व खाता डेबिट होगा और अंश पूंजी या ऋण पत्र खाता गैर चालू दायित्व खाता क्रेडिट होगा। इस प्रकार इस लेनदेन के फलस्वरूप लेनदारों में कमी के कारण कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी, अतः इससे कोषों का अंतर्वाह होगा। यदि लेनदेन का प्रभाव एक चालू दायित्व वाले खाते या एक गैर चालू संपत्ति वाले खाते पर पड़ता हो तो क्या होगा, जिसे फर्नीचर उधार खाता क्रय या फर्नीचर उधार क्रय करने पर फर्नीचर खाता गैर चालू संपत्ति होगा डेबिट होगा, लेनदार खाता चालू दायित्व क्रेडिट होगा। अतः इन लेन देनों के फलस्वरूप लेनदारों में वृद्धि के कारण कार्यशील पूंजी में कमी होगी, जिससे कोषों का बहिर्गमन या उपयोग होगा। इसी प्रकार पांचवें एडजस्टमेंट में व्यापारिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्रियाशील लाभ या क्रियाशील हानि के कारण कोष प्रवाह होता है, क्योंकि व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं यथा क्रय विक्रय, व्यापारिक खर्चों या व्यापारिक आयों के सम्मिलित होने से कोष प्रवाह विवरण में क्रियाशील लाभ, कोषों का स्रोत, हानि, क्रियाशील लाभ की गणना, गैर व्यापारी खर्चे, गैर व्यापारिक आयों का समायोजन कर लिया जाता है। इससे क्रियाशील लाभों की गणना विधि का वर्णन विस्तार से इसी अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगले क्रम में गैर व्यावसायिक प्राप्तियों और आयों, भुगतान खर्चों या हानियों के फलस्वरूप कोष प्रवाह होगा। यदि गैर व्यावसायिक प्राप्तियाँ, आय, भुगतान और खर्चे, हानियाँ इस प्रकार की हैं, उनके द्वारा परिणाम स्वरूप चालू संपत्ति या चालू दायित्व प्रभावित होंगे, ऐसे व्यवहारों के फलस्वरूप कोष प्रवाह होता है। उदाहरण के लिए नकद लाभ प्राप्त होने पर यह कोषों का स्रोत होगा। अब ऐसे कौन कौन से हैं जिनका एडजस्टमेंट हमने इस प्रकार से उपयुक्त रूप से स्पष्ट रूप से हम ये कहेंगे कि कोष प्रवाह तभी होगा जब लेन देन के फलस्वरूप एक चालू खाता दूसरा गैर चालू खाता प्रभावित होता हो। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि कोष प्रवाह कब
कि कोष प्रवाह कब नहीं होता है, व्हेन वेयर इज़ नो फ्लो ऑफ फंड्स। ये लेन देन इस प्रकार के हैं जहाँ पर विद्यमान कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन लेन देनों के फलस्वरूप कोष प्रवाह नहीं होता है। इस प्रकार से ऐसे लेन देन उदाहरण निम्न प्रकार है, जिसमें पहला है एक चालू संपत्ति का दूसरी चालू संपत्ति में परिवर्तन होने पर, या फिर एक चालू दायित्व का चालू संपत्ति से भुगतान होने पर, या एक चालू दायित्व का दूसरे दायित्व पर परिवर्तन होने पर, या एक गैर चालू दायित्व का दूसरे गैर चालू दायित्व के परिवर्तन होने पर, या फिर एक गैर चालू संपत्ति दूसरी गैर संपत्ति में परिवर्तन होने पर, या फिर गैर चालू संपत्ति या गैर चालू दायित्व के समान रूप से प्रभावित होने पर। इस प्रकार से कोष प्रवाह नहीं होता है। इसमें कोषों का स्रोत व उपयोग का अध्ययन करें, सोर्स एंड यूज ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ यूज ऑफ फंड के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोष का अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी से होता है, जो कोष प्रवाह का अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि होने से है। अतः शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने वाली व्यापारिक मदें कोष का स्रोत होती है। शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी करने वाली व्यवसायिक मदें कोष का स्थान होती है। इस प्रकार ये द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, जिसमें कोषों के कुल स्रोत कुल उपयोग के अनुसार होने चाहिए, जिसमें कोषों के स्रोत और उपयोगों को समीकरण इन प्रकार से दर्शाया गया है, जिसमें कुल स्रोत टोटल सोर्स बराबर कुल उपयोग टोटल यूजेज, चालू है दायित्वों में वृद्धि, संपत्तियों में कमी बराबर पूंजी व दायित्वों में कमी प्लस संपत्तियों में वृद्धि, ऑल क्रेडिटर्स सभी नाम बराबर डेबिट्स। इसके आधार पर भी हम सोर्स एंड यूज ऑफ फंड्स का क्रियान्वयन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ें कोषों का स्रोत, कोषों के स्रोत को किस प्रकार से हम क्रियान्वित करें, जिसमें क्रियाशील लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अंशों का निर्गमन इश्यू ऑफ शेयर, दीर्घकालीन ऋण या ऋण पत्रों का निर्गमन से, या स्थायी संपत्तियों विनियोगों के विक्रय से, गैर व्यापारिक प्राप्तियों से, कोषों के स्रोत के रूप में इनको माना गया है। कोषों के उपयोग में यूजेज ऑफ फंड में क्रियाशील हानि ऑपरेटिंग लॉस को दर्शाएंगे, अधिमान अंशों का शोधन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर को दर्शाएंगे, दीर्घकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान व ऋण पत्रों के शोधन को दर्शाएंगे, स्थायी संपत्तियों एवं दीर्घकालीन विनियोगों के क्रय से परचेज ऑफ एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दर्शाएंगे, लाभांश व कर का भुगतान पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स को दर्शाएंगे, गैर व्यापारिक भुगतान नॉन ट्रेड पेमेंट को दर्शाएंगे। इस प्रकार से कोषों के स्रोत उपयोग में, स्रोत उपयोग में पहला है परिचालन से लाभ, अंशों का क्रय, निर्गमन, दीर्घकालीन ऋण ऋण पत्रों का निर्गमन, स्थायी संपत्तियों और विनियोगों का विक्रय, गैर व्यापारिक प्राप्तियां शामिल हैं। परिचालन से हानि, अधिमान अंशों का शोधन, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान एवं ऋण पत्रों का शोधन, स्थायी संपत्तियों विनियोगों का क्रय, लाभांश एवं कर का भुगतान, गैर व्यापारी भुगतान सम्मिलित हैं। इस प्रकार से हम कोषों का स्रोत व उपयोग को आसानी से समझ चुके हैं कि किस प्रकार से कोषों का उपयोग होता है और किस प्रकार से कोषों का स्रोत में शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्रियाशील लाभ, क्रियाशील लाभ होने की स्थिति में हम इसको सोर्स ऑफ फंड की साइड दिखाएंगे, और दूसरा अंशों के निर्गमन इश्यू ऑफ शेयर होने से पर भी हम उसको स्रोत साइड दिखाएंगे, दीर्घकालीन ऋण व ऋण पत्रों के निर्गमन को भी हम सोर्स ऑफ फंड की ओर प्रदर्शित करेंगे, स्थायी संपत्तियों विनियोगों का विक्रय होने से पर भी सोर्स हो गया, गैर व्यापारी प्राप्तियां भी सोर्स होगी। तो ये तो कोषों का स्रोत है, सोर्स ऑफ फंड है। यूजेज ऑफ फंड में ऑपरेटिंग लॉस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस और नॉन ट्रेड पेमेंट्स को शामिल किया गया है। अगले वीडियो में हम आपके लिए इसी क्रम में हम
अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो कोष प्रवाह विवरण तैयार करते समय हमें बनाने होते हैं और किस प्रकार उनको क्रियान्वित किया जाता है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।